अब देखते हैं हम बेसिकली हमने पिछली क्लास में ग्राफ किया था, आज ग्राफ को नहीं कंटिन्यू कर रहे, आज ट्रीज को कंटिन्यू कर रहे, बाइनरी ट्री। ठीक है, इसको देखते हैं। बाइनरी ट्री का मतलब क्या हुआ, कितने चाइल्ड हुए? दो चाहिए कोई बताएगा? सर, मैक्सिमम टू। तो चल, अब जैसे इसकी दो फॉर्म होती है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, एक एरे फॉर्म होती है और दूसरी होती है लिंक लिस्ट। एरे फॉर्म कैसे होती है और लिंक लिस्ट फॉर्म कैसे होती है वो चीज देख। इनको ना जैसे वैल्यूज है इसमें ए बी सी डी ई एफ जी, ये हमारा जो है पहले बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है और इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, मैं एग्जांपल देख के बताऊंगा। पल्लवी बोलोगे? यस सर। पल्लवी बच्चे ये देखो, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, मतलब ये है इसमें लोकेशन देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब एक और चीज मैं बोलता हूँ, जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, दिस इज ऑल्सो ए कम्प्लीट बाइनरी ट्री। यहां तक अगर है 1 2 3 और 4, दिस इज ऑल्सो ए कम्प्लीट बाइनरी ट्री, कोई डाउट है? ठीक है, अब इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री कैसा होगा, ए बी सी और लेट सपोज यहाँ पे ई आ गया, दिस इज इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री। या ये नंबरिंग 5 थी ना इसकी, ई की, यस तो दिस इज इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री। पहले कौन सा फेल होना चाहिए था? फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर अगर फेल नहीं है तो दैट्स एन इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री। अब ये बताओ पल्लवी, ए बी ये कंप्लीट है इनकम्प्लीट है? सर, ये ए लोकेशन बताओ, इनकम्प्लीट ही बी होना की चाहिए सर। क्या मतलब होगी, हमने नंबरिंग बी को दी है या फिर उसकी मेमोरी को दी है? सर, मेमोरी के मेमोरी हिसाब को। से इसकी लोकेशन 3 होनी चाहिए, वैसे बी। ओके सर, सर फिर 3 है इसकी लोकेशन, हाँ तो इनकम्प्लीट, ये क्या है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट। ठीक है, बात समझ आ गई? यस सर। अगर मैंने बोला ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, इट्स कंप्लीट और इनकम्प्लीट? सर, ये भी इनकम्प्लीट ही होगा अच्छा, और ये अगर मैं बोलूं ए बी सी और करेक्ट। हम डी, 7 से जा रहे हैं। हाँ, ये वाला क्या होगा, ये वाला जो बताया सर, ये कंप्लीट होगा। ये कंप्लीट होगा। बात समझ आ गई, विच इज कंप्लीट एंड विच इज इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री। यस सर। अब और दूसरी अगर चीज मान लो देखते हैं ये पल्लवी। सेकंड, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बोलो। प्रीवियस वाले पेज में अगर वो सेकंड में अगर एक बार से करना प्रीवियस वाली स्लाइड, इसमें सर ये जो नीचे है ए बी डी और सी के अगर लेफ्ट में होता तो इनकम्प्लीट होता है या कंप्लीट होता सर? सी के कौन से वाले में बोल रहे हो? सर रेड वाले के जो नीचे ही बना हुआ है जस्ट ए बी सी डी। राइट साइड में जो बना हुआ है, जिसमें सी सर, के ये राइट हाँ साइड ये में वाला ना, ए बी सी हाँ ये सर, एफ, अगर ये है इसके ना सी में लेफ्ट होता तो। बच्चे लोकेशन देखो 1 2 3 4 5 तो खाली रह ही गए ना, तब भी चाहे सी के लेफ्ट में हो चाहे सी के राइट में हो तब भी इनकम्प्लीट रहेगा रहेगा। ठीक है, ओके सर। चलो अब इसको मेमोरी में कैसे रखते हैं वो भी चीज एक बार ही देख लो, उसके बाद एक प्रॉपर्टी और देखेंगे। जैसे अगर मैंने बोला ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये आपका डी है और ये आपका ई है, लेट सपोज ये, तो लोकेशन क्या हो गई 1 2 3 5 6 यहाँ पे 7। बात समझ आ रही है? अगर इसे एरे फॉर्म में स्टोर करना है तो हम कैसे स्टोर करेंगे वो, या लिस्ट फॉर्म में स्टोर करना है तो कैसे करेंगे, 1 पे A डाल दिया, 3 4 5 6 7, 2 पे B सर, डाल दिया, 3 पे C डाल दिया और 5 पे D डाल दिया और 7 पे E डाल दिया, कोई डाउट है? नो अब एक चीज सर। देखो, अब इस फॉर्मेट में ये बनेगा कैसे देखें एक बारी। अब ये बताओ, अगर मैं ये वाला ट्री लेता हूँ, वन लोकेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3
फोर फाइव सिक्स सेवन, यहाँ पे एट लिखते हैं, यहाँ पे नाइन लिखते हैं, यहाँ पे टेन, यहाँ पे इलेवन, ये लिखा है, लेट सपोज। अच्छा पल्लवी एक बार जल्दी से बोल दो, फाइव का लेफ्ट कौन है? फाइव का लेफ्ट टेन और फाइव का राइट इलेवन। अच्छा और थ्री का लेफ्ट? सर थ्री का लेफ्ट सिक्स और थ्री का राइट सेवन और टू का लेफ्ट सर फोर और टू का राइट फाइव। अगर केथ के नोड है, केथ नोड है, के का लेफ्ट क्या होगा, राइट क्या होगा, जल्दी बोल दो। टू के और टू के प्लस सर के का राइट 2K और 2K प्लस, वेरी गुड। किसने आंसर बोला? सर लोकेश। वेरी गुड लोकेश, बताओ 2 का लेफ्ट 4 है कि नहीं है, ये देखो। यस सर। और 2 का राइट डी, ये बात समझ आ रही है? एरे फॉर्म में ऐसे क्यों स्टोर किया? आ गया सर समझ। ठीक है, अब इसमें जो प्रॉब्लम रही, इसमें मेमोरी का जो वेस्टेज होगा वो ज्यादा होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा, होगा वेस्ट, ये बात समझ आ गई? एरे फॉर्म में वेस्ट चीज होती है। यस सर। ठीक है, एरे फॉर्म ये समझ आ गई, उसका लेफ्ट क्या होगा, अगर लेफ्ट चाइल्ड को अगर देखते हैं 2k होगा और राइट चाइल्ड क्या होगा 2k प्लस 1 होगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। अच्छा अब दूसरी चीज देखते हैं, लोकेश तुम बोलो। यस सर। है हमारा एक ट्री है, इसमें कितनी नोड्स हैं बताओ? सर 11। 11 नोड्स है। आप देखते हैं डेप्थ किसको मान रहे हैं हम, ये एक डेप्थ मान लें, ये एक डेप्थ मान लें और ये एक डेप्थ मान लें, कितनी डेप्थ का है ये? थ्री। तीन। थ्री डेप्थ, डेप्थ थ्री है, या फोर भी बोलते हैं, बुक्स में फोर भी लिखा हो सकता है, अगर वन टू इसको अगर एक एक से दो, दो से ये चार भी बोल सकते हैं। ठीक है, चार बोले तीन बोले वो आपके ऊपर है। अब ये जो मैं चार ले लेता हूँ, चलो चार ले लें। ओके सर। अच्छा अब मेरे को ये बताओ कि इसकी डेप्थ फोर कब, अगर आठ नोट होते तो डेप्थ क्या रहती? थ्री रहती, फोर ही रहती, फोर ही रहती। और पंद्रह नोट्स होते तब भी डेप्थ क्या रहती? फोर ही रहती सर। ये बात समझ आ गई, यानी टू रेस टू थ्री से लेके टू रेस टू फोर माइनस वन तक डेप्थ क्या रहती? फोर। यस और नो? यस सर। अगर नोट्स होते टू स्क्वायर से लेके टू क्यूब माइनस वन तब भी डेप्थ क्या रहती? थ्री। कितनी रहती? थ्री। अब कोई फॉर्मूला बन सकता है, अगर लेट अस सपोज इफ देयर आर के नंबर ऑफ नोड, के नंबर ऑफ नोड तो डेप्थ क्या रहती? टू रेस टू के से लेके टू रेस टू के प्लस वन माइनस वन। सर के नोड्स हैं सर, मैंने बोला के नंबर ऑफ नोड्स है, जैसे लेट सपोज पांच नोड, लॉग बेस 2 के पांच नोड्स है तो डेप्थ 3 आनी चाहिए, है ना सर? लॉग टू द बेस 2 के सर। कैसे आया सर? सर क्योंकि ये इसके बीच में रहेगा के, ऐसे करके और फिर दोनों तरफ। एक मिनट रुको 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 बच्चे, एक मिनट, मैंने मान ली डेप्थ जो है वो ये, सही है ना? ठीक है। yes, या फोर थी, टू रेस टू, अगर मैं के को छोड़ देता हूं अभी, टू रेस टू एम माइनस वन, ठीक है, एम जो है वो डेप्थ है, एम जो है वो क्या है, डेप्थ, सही है कि नहीं? yes, sir. Yes, sir. अगर एन नंबर ऑफ नोड्स है तो मस्ट बी इक्वल्स टू एन होना चाहिए, अगर मैं मैक्सिमम के लिए ले रहा हूँ ये। yes, sir. ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स आर 2 रेस्ड टू m माइनस 1, देन द डेप्थ मस्ट बी इक्वल टू n, यस और नो? m इज द डेप्थ, n इज द नंबर ऑफ नोड्स, m इज द डेप्थ, n इज द नंबर ऑफ नोड्स। अगर इसको हम लेते हैं लॉग ले लेते हैं, 2 रेस्ड टू m इज इक्वल टू कितना आएगा, लॉग n प्लस 1 आएगा,
एम लॉग टू इक्वल्स टू क्या आएगा, लॉग एन प्लस वन आएगा. एम इज इक्वल्स टू लॉग एन प्लस वन टू द बेस टू ले सकते हैं. यस सर. अब मेरे को एक चीज बताओ पल्लवी, अगर हमारे 15 नोड्स हैं तो डेप्थ सही आ रही है कि नहीं आ रही, देखो. यस सर. लॉग 16 प्लस 1 2 एम इक्वल टू 4 आ रहा है, ये ठीक है ना ये वाला अभी तक. यस सर. अब एक चीज बोल रहा हूँ पल्लवी, अब थोड़ा सा ढंग से सुनना. अगर हमारे 10 नोड्स हैं, अब हमारे कितने नोड्स हैं? 10. अब हमारा आंसर कितना आएगा? लॉग 11 बाय लॉग 2 आएगा. यस सर. लॉग 11 जो होगा ये 2 की पावर क्यूब से ज्यादा होगा, 2 की पावर 4 से कम होगा. सर 3 पॉइंट समथिंग आएगा. 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.2 आ गया ऐसा कुछ है. आ जाएगा. यस सर. बट डेप्थ क्या होनी चाहिए सर? तो हम इस पे हाईएस्ट इंटीजर फंक्शन लगा देंगे ना. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जगह स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन. क्या बोल रहे हैं? स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन. स्मॉलेस्ट लॉग एन प्लस वन टू द बेस टू स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये साइन होता है. कोई डाउट? यस सर. तो दिस इज कॉल्ड एज द डेप्थ ऑफ बाइनरी ट्री. This is called as the depth of binary tree. बात समझ आ गई है? Yes sir. चलो. बच्चे लोकेश कोई डाउट तो नहीं है? No sir. चलो. अब दो चीजें क्लियर हो गई. नोड का लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड कौन होता है और डेप्थ कैसे निकालते हैं बाइनरी ट्री. अब दूसरी चीज देखते हैं. अब हम एक चीज और देख रहे हैं. अब हम एक स्पेशल टाइप का ट्री पढ़ रहे हैं, दैट इज बाइनरी सर्च ट्री. बाइनरी ट्रीज के बहुत सारी क्लासिफिकेशन हैं, एक उसमें से है बाइनरी सर्च ट्री. ठीक है, आज हम वो एक बार ही ट्राई करते हैं कि कुछ समझ आ जाए, वो ज्यादा चीजें देखें. ठीक है, पहले तो एक बाइनरी ट्री में अब लिंक लिस्ट फॉर्म में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं लिंक लिस्ट फॉर्म, चाहे बाइनरी ट्री हो चाहे बाइनरी सर्च ट्री हो, बात एक ही. बच्चे इसमें है ना एक नोड जो होती है उसमें तीन चीजें होती है, एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट होता है और एक पार्ट होता है इन्फो. क्या क्या चीजें होती है लोकेश बोलो? लेफ्ट राइट और इन्फो. लेफ्ट के अंदर लेफ्ट वाले नोड की इन्फॉर्मेशन होती है, राइट वाले में राइट वाले नोड की इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फो में इन्फॉर्मेशन जो उस नोड की पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है वो क्या. जैसे लेट सपोज मैंने बोला यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ और यहाँ पे जी. ठीक है लोकेश? यस सर. मैंने इसको डिनोट किया स्टार्ट इज इक्वल्स टू 5. स्टार्ट को किससे किया? 5 सर. 5. अब इसको दे दिया नाम मैंने 9 और इसका 11. इसको दे दिया 2 और इसका 4 और इसको 1 और 3. कोई डाउट? नो सर. अच्छा, अब जैसे इसी को लिंक्ड लिस्ट फॉर्म में कैसे दिखाना है, अब देखो इसको मैंने दूसरे तरीके से बना के दिखाया. आप ये देखो, नोड की इन्फॉर्मेशन ए थी और इसका नाम 5 था, इसकी इन्फो जो लेफ्ट वाला था 9 था, इसका राइट 11 था. कोई डाउट? नो सर. और इसी में ये आ गया 2 और ये आ गया 4. ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट में डी है, डी में आपने क्या करना है? नन नन दोनों तरफ. क्या लिखेंगे? नल, कोई नहीं है इनके आगे डेटा, मतलब नोड नहीं आगे. नल सर. और राइट में? राइट में लेफ्ट राइट और इसका खुद का डेटा सी है. अब बोलो इनके राइट और लेफ्ट में क्या लिखूं? ये नल है सर, खुद का डेटा एफ और जी है सर. नल डाटा एफ एंड जी. बात समझ आ गई? यस सर.
कोई डाउट है? नो सर। ये चीज एक बार देख लो, पल्लवी एक्सप्लेन करो दोबारा। सर इसमें हम लिंक लिस्ट का यूज कर रहे हैं, डबल लिंक लिस्ट का, तो उसमें क्या हो रहा है सर? नहीं मतलब दो नोड्स बना रखे हैं हमने उसमें, तो फिर उसके अंदर हमने लिया है जैसे ए है, ए को हमने जो लिंक लिस्ट का डाटा वो स्टार्ट इज इक्वल टू 5 से कर रहे हैं हमसे, तो जो हम उसका राइट वाला चेक करेंगे, राइट वाले 11th नोड पे सी है, तो हम 11th नोड लेंगे उसका, और जो 11th का नोड है उसके डाटा में हम सी डाल देंगे। ऐसे ही जो 11th है उसके लेफ्ट राइट 1 और 3 लोकेशन को पॉइंट करेंगे, तो 1 और 3 लोकेशन डाल दी, और उनका डाटा एफ एंड जी है, उनका फर्दर कोई किसी को पॉइंट नहीं कर रहे वो, तो उनकी लेफ्ट एंड राइट लोकेशन नल हो रही है। तो इधर लेफ्ट साइड में अगर देखते हैं तो एक ही लेफ्ट लोकेशन 9 है और 9th का डाटा बी है, और उस सर अभी आ रही है वॉल्यूम? हाँ हेलो। तो ए का लेफ्ट, ए की लेफ्ट लोकेशन हमारे पास 9 है, 9th का डाटा हमारा बी है, और उसके बाद जो बी की लेफ्ट लोकेशन है वो 2 है, बी की राइट लोकेशन 4 है, और उनके पर्टिकुलर डाटा है डी एंड ई, लेकिन फिर उसके बाद उनकी आगे फर्दर कोई लोकेशन नहीं है, तो हमने उनके लोकेशन में नल डाल दिया। बात समझ आ गई है? बाइनरी ट्री, सर्च ट्री की इंफॉर्मेशन। यस सर। यस सर। अच्छा अब हम देखते हैं कि व्हाट इज अ बाइनरी सर्च ट्री होता है, ठीक है? ठीक है बच्चे? यस सर। यस सर। यस सर। चलो एक छोटा सा हम ट्री एक और बारी मेमोरी में कैसे स्टोर कराते हैं ताकि इम्प्लीमेंटेशन में कोई डाउट ना है वो बता दो, ठीक है? जैसे पीछे वाले पेज पे जाते हैं शायद कोई ज्यादा अच्छा रहे। ये वाला समझ आ गया था ना बच्चे? यस सर। अब एक मिनट मैं इसको ना एक बना के दिखाता हूँ कि कैसे स्टोर कराए। बात समझ आ गई? लेफ्ट राइट ना, और ये कहता है 9 पे क्या रखा है? 2B4। क्या रखा है? 2B और 4। कोई डाउट है? अच्छा अब क्या होता है 11 पे क्या रखा है? सर 1C3। एक मिनट रुकना बच्चे, मैं थोड़ा सा रब कर दूं ज्यादा अच्छा। हाँ 11 पे क्या रखा है? 1C3। अब बोलो आगे क्या होता है? 2 पे क्या रखा है? सर नल डी नल। नल 2 पे रखा है, नल डी नल। कोई डाउट? 4 पे क्या रखा है? सर 4 पे नल ई नल। अच्छा और 1 पे क्या रखा है? नल एफ नल। नल नल एफ नल। और 6 पे 3 पे क्या रखा है? थ्री पे है नल 6 नल। जी नल, मैंने गलती से वहां पे ना जी नल, ठीक है? यस। अब ये क्या होता है अवेल में क्या हो गया, कौन सा बचा? सर अवेल हम 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, 6 अवेल ऐसे लिखाएंगे बच्चे, अवेल इक्वल टू 6। 6 रखा, इंफॉर्मेशन कुछ नहीं। 6 का लेफ्ट 7 कर दिया, 7 का लेफ्ट 8 कर दिया, ठीक है? 8 का लेफ्ट 10 कर दिया, और 10 का 10 में नल कर, कुछ भी नहीं, ठीक है? 10 का सारी चीजें 10 नहीं, 10 पे नल, 8 का हमने क्या रखा? 8 पे रखा, 6 पे रखा 7, फिर 8 आया, फिर 10 आया, और फिर नल आ गया ना, 10 पे नल। Yes.
बात समझ आ गई, अवेयरनेस हमेशा लेफ्ट में होती है, राइट में नहीं होती। ओके सर। कोई डाउट कैसे स्टोर करना है? ठीक है, तीन एरेज बना देना, लेफ्ट राइट और इन्फो वन। ठीक है, यस सर। अब आगे करें, आगे करें। यस सर। अब व्हाट इज अ बाइनरी सर्च ट्री? बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है वो चीज देख प्रॉपरली सुनना। बाइनरी सर्च ट्री को हम कैसे बनाएं? बच्चे लेफ्ट वाले नोड की इंफॉर्मेशन, लेफ्ट वाले चाइल्ड की इंफॉर्मेशन कम होगी, लेस होगी, राइट वाले चाइल्ड की इंफॉर्मेशन हमेशा ज्यादा होगी। ठीक है, बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी, जैसे फॉर एग्जांपल एक एरे फॉर्म में 10 रखा, लेफ्ट वाले की इंफॉर्मेशन क्या बोला है? लेस देन 10, 6 रख दी। ठीक है, राइट वाले की क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 10, 16 रख दिए। लेफ्ट वाले की 6 का लेफ्ट क्या होगा जल्दी बताओ? 4। और राइट में क्या रखूं? 7। 11 रख सकता हूं? 11 ऊपर 10 से छोटा है सर। बिल्कुल, 10 से छोटा होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 16 का लेफ्ट क्या रख दूं? 12। 9 रख सकता हूं? नो सर, 10 से बड़ा होना चाहिए। और 16 के राइट में क्या रखता हूं? 20। अच्छा, आप 12 के लेफ्ट में क्या रख सकता हूं बताओ? 11। 11 के लेफ्ट में क्या रख सकता हूं? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर। अगर 10.5 रख दिया, जैसे ये रख सकता हूं, मगर 10 से बड़ा होना चाहिए, 11 से छोटा। ठीक है, आप इसी के बारे में पूछते हैं, 8 के लेफ्ट में क्या रख सकता हूं जल्दी बताओ? 7 सर, 8 के लेफ्ट 7। चलो, आप 20 के लेफ्ट में क्या रख सकता हूं? 17। 19 रखा, उसके लेफ्ट में क्या रख सकता हूं? और 18। और क्या रख सकता हूं? 17। बस अभी ऐसे देख। अच्छा, पल्लवी, लोकेश। यस सर। यस, 16 का इमीडिएट सक्सेसर चाहिए, 16 का इमीडिएट सक्सेसर कौन है सर? इमीडिएट चाइल्ड 20। इमीडिएट सक्सेसर यानी इमीडिएट उससे थोड़ा हल्का सा बड़ा हो, कौन है? अच्छा, 17। 17। मूवमेंट देख लो, मूवमेंट ठीक है, सही है? यस सर। अच्छा, 10 का इमीडिएट सक्सेसर कौन है? 10 का 10.5 जाएंगे कैसे वो चीज देख लो एक बारी, गए कैसे? 10.5 ऐसी जा रहे हैं ना? यस सर। 6 का इमीडिएट सक्सेसर कौन है? 7। सब में मूवमेंट कैसे हो रही है सर? राइट अगर इमीडिएट सक्सेसर निकालना है सर, एक यूनिट राइट जाके उसके राइट, डेप्थ तक। फर्स्ट राइट, देन इफ लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट। यस और नो, इमीडिएट सक्सेसर निकालने का लॉजिक ये होना चाहिए कि नहीं? यस सर, यही। यस सर। कोई डाउट है? नो सर। बात समझ आ गई है? यस सर। एक और बाइनरी ट्री बना के देखना है कि एक सफिशिएंट था एग्जांपल। सफिशिएंट था। ठीक है, एक हम बाइनरी ट्री बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, यस। आप लेट अस सपोज आपको सर्च करना है, क्या करना है? सर्च, सर्च करना। क्वेश्चन समझ आ गया? सर्च करना है एक नोड को। यस सर। चलो, एक बाइनरी ट्री बना लेते हैं, उसका एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसका लॉजिक देखते हैं क्या बना। चलो, अब बोलो, बोलेगा कौन? सर परीक्षा। परीक्षा बोलेगा बच्चे? चलो ठीक है, परीक्षा बोलो बच्चे। एक दो क्वेश्चन हम बना लेते हैं पहले।
परीक्षा आप है ना सबसे पहले जो ट्री बनाने में हेल्प कराओ, ट्री कैसे बनाएंगे सर? बोलो, पहले हम स्टार्ट को क्या रखूं? सर वन कर देते हैं। हाँ, इसको रूट नाम देते हैं, ज्यादा अच्छा, रूट। ठीक है, रूट के स्टार्ट बोल रहा था, रूट दे दो, नाम अच्छा है, ट्री है तो ट्री का रूट कौन है, पेरेंट कौन है ना? यस सर। चलो अब इसका ना इसमें क्या इनपुट डालूं, जल्दी बताओ सर। रूट को क्या वन कर दिया, फाइव रख दिया, लेट सब मैंने फाइव कर दिया, कोई बात। यहाँ पे 20 रख दिया, सही है, यहाँ पे 1 रख दिया, यहाँ पे 3 रख दिया, कोई डाउट? नो सर। अब यहाँ पे ये रख दिया 2 और यहाँ पे 4 रख दिया, 2 और 4, यहाँ पे एक 6 रख दिया, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ये अभी हम भरते भी जा रहे हैं ताकि ये ना बाद में दिक्कत है। 4 का 8 कर दिया, यहाँ पे 8 कर दिया, यहाँ पे नल 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 नल। अब एक बारी 3 का लेफ्ट क्या रखूँ, नाम जल्दी बोलो। वहां पे भी नल आएगा ना? ठीक है, आप 3 के लेफ्ट में क्या कर दू, रख देते हैं 9 और 11 कर दें। यस सर। तो 9 पे क्या रखे, ये तो नल आ गए दोनों, नल आ गया। और 11 पे, 11 पे 12 रख देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे नल। यस सर। मेरे को लगता नहीं इसमें अभी तक कोई डाउट है। नो सर। अब रूट इक्वल टू 5 है, अब बताओगे क्या क्या करना है? अब 20 के लेफ्ट में क्या रखूं, यहाँ पे इधर क्या इन्फॉर्मेशन पुट करूं? सर यहाँ पे हम 20 से लेस नंबर रखेंगे, 10 रख देते हैं, यहाँ पे 5 रख देते हैं, यहाँ पे 7 रख देते हैं, कोई डाउट? नो सर। 12 रख दिया, 20 के राइट में 30 रख देते हैं, यहाँ पे 25 रख देते हैं, यहाँ पे 27 रख देते हैं, यहाँ पे 26 रख, कोई डाउट है तो बोल दो। नो सर। सर यहाँ पे 8 वाली लोकेशन पे हम लोग 30 के राइट में 27 रख दिया, कैसे? थर्टी के राइट बड़ा नहीं होना चाहिए। यस सर। 37 रख देते हैं, और 37 के लेफ्ट में क्या रखते हैं, जल्दी बोलो। 36 रख देते हैं। ठीक है सर, वैसे अगर 26 ठीक है तो गलत तो नहीं है ना? 26 क्या सर? 26 रख देते हैं, उसमें गलत तो नहीं होगा? गलत है, 30 से बड़ा होना, गलत है, ठीक है, 30 से बड़ा होना चाहिए। 12 का क्या रखे आगे, यहाँ पे 12 का क्या रखे, 14 रख दें। यस सर। चलो यस सर। अब मुझे लेट सपोज, अब हम केसेस बनाते हैं सर्चिंग के लिए, लोकेशन निकालना है और उसके पेरेंट की लोकेशन निकालना है। क्या निकालना है? लोकेशन और पेरेंट की लोकेशन, पेरेंट लोकेशन। एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट अस सपोज आई वांट टू सर्च अ नोड हुज इन्फो इज 40, इन्फो दे रखी है 40, सही है? तो पेरेंट क्या आया जल्दी बताओ, लोकेशन क्या आई? पेरेंट की लोकेशन 4। पेरेंट की लोकेशन 14 है तो पेरेंट की लोकेशन 8 नहीं आई? अच्छा, पेरेंट की लोकेशन 4 आई और लोकेशन की वैल्यू क्या आई? 8। अच्छा आप बताओ मेरे को, ये अगर मेरा इन्फो है 36 है तो बोलो सर। तो लोकेशन हमारी लोकेशन सर हमने दी नहीं है यहाँ पे, नहीं हाँ दिए दिए, लोकेशन हमारी 12 है और जो पेरेंट की लोकेशन है वो 11 है। चलो अब लेट सपोज अगर हमारा 20 इन्फो है तो लोकेशन की वैल्यू क्या है सर? नल। 20 इन्फो है, लोकेशन की वैल्यू नल है, 5 और लोकेशन की वैल्यू, पेरेंट लोकेशन सर नल। अच्छा आप लेट सपोज लोकेशन ये इन्फो आती है 37 नहीं, चलो 37 बोलो सर। लोकेशन 11 और पेरेंट लोकेशन 3। वेरी गुड। अगर आती है 35 सर तो फिर लोकेशन पेरेंट लोकेशन दोनों नल हो जाएंगी। सोच के बोलो लोकेशन क्या होना चाहिए? नल। लोकेशन नल अलाउड है मगर उसका पेरेंट जो होगा वो मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, ये होना चाहिए।
बोलो यस और नो। आ नहीं सकता इस वजह से ना, सोचो। पहले हम मूव करेंगे 20 को सर्च करेंगे, 20 से इंफॉर्मेशन क्या है, ज्यादा है कम है? ज्यादा, तो वो राइट जाएगा। हाँ जी। 30 से ज्यादा है कम है? 30 से भी ज्यादा है, तो राइट जाएगा। फिर 37 से ज्यादा है कम है, तो लेफ्ट जाएगा। और हाँ, तो क्या आनी चाहिए पेरेंट की लोकेशन? 12। बात समझ आई? यस सर। अगर लेट सपोज 9 है सर, फिर पेरेंट लोकेशन हमारी 1 आनी चाहिए। पेरेंट लोकेशन 1 आनी चाहिए? यस सर, क्योंकि सर बोला बच्चे। देखिए एक मिनट, एक मिनट रुक। पहले हम गए येलो से मार्क कर रहे हैं, आनी चाहिए, कर रहे हैं। 20 से कम है यहाँ पे जाना चाहिए, 10 से कम है, यस 10 से कम है, तो हमें कहाँ मूव करना है सर? लेफ्ट मूव करना है, लेकिन लेफ्ट मूव करना है। 6 से ज्यादा है या राइट मूव करना है? 7 से भी ज्यादा है तो राइट मूव करना है। ये बात समझ आ रही है? यस सर। पेरेंट लोकेशन कितना आएगा? 6। और लोकेशन कितना आएगा? नल। कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट है? इतनी बात समझ आ गई? यस और नो? यस सर। अच्छा, अब अगर मैं बोलता हूँ बाइनरी ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर रूट की वैल्यू नल है। रूट की वैल्यू क्या है? नल। इसका मतलब ट्री एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा? सर नहीं कर रहा। तो लोकेशन और पेरेंट लोकेशन की वैल्यू क्या आएगी? नल। बात समझ आ गई? यस सर। इसमें 4 केसेस ले रहे हैं, लोकेशन और पेरेंट लोकेशन, ठीक है? 4 केसेस आएंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, यही आ रहे ना? यस सर। 0 0 का मतलब क्या है सर? जब रूट और मतलब लोकेशन और पेरेंट लोकेशन दोनों नल है, तो इसका मतलब ट्री एग्जिस्ट करता ही नहीं। हाँ जी सर, सही है, ट्री एग्जिस्ट नहीं करता। और लोकेशन की वैल्यू नल है, पेरेंट की वैल्यू नॉट नल है, इसका मतलब सर इसका मतलब है कि जो हमारा इन्फो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हाँ हमें ये पता है कि वो कहाँ आएगी, किस पेरेंट के साथ आएगी, कहाँ इंसर्ट की जा सकती है, वो कहाँ पे इंसर्ट की जा सकती है, ठीक है? अब 1 0 का मतलब क्या है सर? 1 0 का मतलब ये हो गया कि सर जो हम बात करें वो हमारा रूट पेरेंट वो होगा। बिल्कुल, रूट नोड है, सही है। 1 1 का मतलब क्या है सर? वो कहीं बीच में लाई कर रहा है। बीच में लाई कर। अब दोबारा से जल्दी जल्दी बोल दो, 0 0 का मतलब क्या है? 0 1 सबका मतलब बताओ। 0 0 सर, 0 0 का मतलब है कि हमारा ट्री एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा क्योंकि दोनों की लोकेशन 0 हो गई। फिर 0 1 इंसर्शन पॉसिबल है कि नहीं इसमें? इंसर्शन पॉसिबल है कि नहीं सर? नहीं मतलब नल है तो इंसर्शन नल है तो पॉसिबल है ना, कुछ भी डाल दो सर। लेकिन फिर उसमें हमें लोकेशन ढूंढनी भी, मतलब अपने साइड से इनपुट पड़ेगी ना। जब पहली बार अगर कोई इंफॉर्मेशन पुट होगी तो वो रूट नोड में ही होगी। ओके सर, इसके लिए तो हमारे पास सर 0 1 है तो मतलब सर 0 1 है तो अभी बाद में बात करें। 0 1 का मतलब सर 0 1 में हमारा जो हमारी हमें ये पता होगा कि हमें किधर इंसर्ट करना है नोड, किधर इन्फो इंसर्ट करनी है। 1 0 में सर हमारा रूट की बात कर रहे हैं हम, और 1 1 में हमारा जो नोड है वो कहीं बीच में होगा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? इसमें किसी को डाउट है? पल्लवी, कोई डाउट है अभी तक? नो सर, नो डाउट। पल्लवी एक काम करते हैं, 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ताकि बच्चे है ना, जिस जिस बच्चे ने भी समझना हो लास्ट वाला समझ लेगा। मानव, रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर कर दोगे? यस सर। आप शेयर कर दो, और 15 मिनट के लिए बच्चे जो रिवाइज करना चाहते कर ले। 11:02 से हम स्टार्ट करेंगे दोबारा से, और बाइनरी सर्च ट्री का टॉपिक दोबारा से स्टार्ट, ठीक है? ओके सर, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। चलो अब 15 मिनट रिवाइज कर लेंगे ताकि बच्चों को नोट करने का टाइम मिले, ठीक है? थैंक यू बच्चे। थैंक यू।